आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में SDO योगेंद्र प्रसाद ने सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में SDO ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी, पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्प डेस्क का निर्माण कराया जाएगा। आगे उन्होंने कहा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि उपचुनाव में 78 अतिरिक्त मतदान केंद्र, 5 मतदान केंद्र नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, झामुमो, आजसू, भाजपा, बसपा, CPIM, RJD पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बैठक कर रहे थे, जिसमें आने वाले उपचुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, उसकी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने दिया है। साथ ही इनको हमने ये बताया है कि चुनाव के दौरान अधिसूचना के साथ ही आचार संहिता लागू होने के पश्चात आपको कौन से काम करना है, तो कौन से काम नहीं करना है। कुछ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क रहेगा, वहाँ आकर के जिस बारे में भी कोई कन्फ्यूजन हो उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त बूथ कितना नया है सर? अभी हम लोग यहाँ 78 एक्जिलरी बूथ बने हैं और साथ ही 5 बूथों का हमने भवन चेंज किया है, जिसकी जानकारी हम लोगों को हमने दिया है। ये 5 बूथ जो चेंज हुए थे इनकी सहमति से ही हुए थे, बाकी 78 बूथ जो है वो इसी और गाइडलाइन के अनुसार बनाए हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।